हाय डियर फ्रेंड, केमिस्ट्री नंबर 2 का ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, फिर बायोलॉजी का भी अपलोड करेंगे, जनरल साइंस के। ये इतने अपलोड होने के बाद हम जो पिछले RRB JEE में जनरल साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, वो सारे भी हम आपके पास वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। तो पहला लेक्चर देख लीजिए। Which one is not the form of biocides? ये biocides का form नहीं है, मतलब एक को छोड़ के बाकी सब biocides ही है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन दिया है salt दिया है, iodine दिया है, sugar दिया है, bleach दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट, ऑप्शन डी क्या है, ये नॉट biocides है, biocides का form नहीं है bleach, बाकी सब हैं salt, iodine, sugar, ये सब क्या है, biocides के form हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। हाउ बायोसाइड्स वर्क। तो बायोसाइड्स जो है वो वर्क कैसे करता है, ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंसेक्ट या किल द इंसेक्ट्स या मैनेज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मटेरियल या डी ऑप्शन कंट्रोल द बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, कंट्रोल द बैक्टीरिया। बायोसाइड्स का वर्क क्या है, कैसे वर्क करता है, वो कंट्रोल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। व्हाट इज़ द रोडेंटिसाइड। ठीक है, रोडेंटिसाइड क्या है, ऑप्शन नंबर ए मेडिसिन टू किल वर्म्स, अ मेडिसिन टू किल एनिमल्स, अ लुब्रिकेंट, अ पेस्टिसाइड। तो ऑप्शन नंबर जो 3 का डी है वो डी ऑप्शन है, और पेस्टिसाइड है, रोडेंटिसाइड क्या है, और पेस्टिसाइड याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में द मोस्ट कॉमनली यूज रोडेंटिसाइड आर डैश इन नेचर, मतलब अधिकतर रोडेंटिसाइड किस नेचर में यूज करते हैं, एंटी पेस्टिसाइड, एंटी सॉल्वेंट, एंटी कोगुलेंट, नॉन एंटी कोगुलेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एंटी कोगुलेंट नेचर में यूज करते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, लेमन के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो लेमन के अंदर कौन सा रहता है, मार्लिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या टैट्रिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी है, सिट्रिक एसिड, उसके अंदर क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड लेमन के अंदर पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सी देखिए। नेचुरल रबर इज अ डैश विच इज हैविंग हाई इलास्टिसिटी, नेचुरल रबर इज अ डैश विच इज हाई इलास्टिसिटी। तो उसमें हाई इलास्टिसिटी होता है, ठीक है, क्यों होता है, सब्सटेंस है, नेचुरल रबर इज अ सब्सटेंस है, एक मटेरियल है, इलास्टोमर है या केमिकल यूजिंग कार्बन एज अ मेन कंपाउंड। तो क्वेश्चन नंबर सी 6 का सी है तो इलास्टोमर है, विच इज हैविंग हाई इलास्टिसिटी। 7 का देखिए। हाउ विल यू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ वैल्कनाइजेशन, हाउ विल यू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ वैल्कनाइजेशन। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, सैंपल ऑफ ब्यूटेन मिक्स विथ सल्फर एंड लिथार्ज। बी ऑप्शन, सैंपल ऑफ प्रोपेन मिक्स विथ सल्फर एंड लिथार्ज। सी ऑप्शन, सैंपल ऑफ प्लास्टिक फॉर्म कार्बन मिक्स विथ सल्फर एंड लिथार्ज। एंड डी ऑप्शन, सैंपल ऑफ रबर मिक्स विथ सल्फर एंड लिथार्ज। तो 7 का करेक्ट जो ऑप्शन है वो है डी, सैंपल ऑफ रबर मिक्स विथ सल्फर एंड लिथार्ज। ठीक है, सैंपल ऑफ रबर विथ मिक्स विथ सल्फर एंड लिथार्ज, उसको बोला जाता है वल्कनाइजेशन प्रोसेस। वल्कनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि रबर के सैंपल के साथ सल्फर और लिथार्ज को मिक्स करते हैं, इसी को बोला जाता है वल्कनाइजेशन प्रोसेस, याद कर लेना है। ठीक है, रबर के साथ सल्फर और लिथार्ज। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। व्हाट इज NBR, NBR क्या है, व्हाट इज NBR। तो ए ऑप्शन क्या है, नॉर्मल एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटेडाइन रबर या नेचुरल एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटेन रबर या सी एन एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटेन रबर या एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटेनिन रबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटेडाइन रबर होता है NBR।
ठीक है, एन से कंफ्यूज मत होना कि एन बी आर का फुल फॉर्म है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अ सिंथेटिक रबर इज हैविंग डैश वेट, जो सिंथेटिक रबर होता है उसके अंदर वेट कैसा होता है, हायर रेजिस्टेंस, लोअर डेंसिटी, हायर मॉलिकुलर या हायर एटॉमिक, तो 9th का करेक्ट ऑप्शन है क्या, सी हायर मॉलिकुलर होता है। ठीक है, हायर मॉलिकुलर वेट, सिंथेटिक रबर में हायर मॉलिकुलर वेट होता है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट एलिमेंट के रूप में नहीं है, जैसे मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स, गैसियस, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गैसियस, गैसियस इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट। ओके, तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन केमिस्ट्री का। अभी लेक्चर नंबर 3, ये लेक्चर नंबर 20 तक ये बनेंगे केमिस्ट्री के, और वो आप सभी ने रेगुलर बेसिस पे देखते जाइए, नोट्स बना लीजिए कि ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस के ये क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, एंड जो पिछले जनरल साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, जो पेपर आरआरबी के अकॉर्डिंग जो भी ली गई है, तो उसके भी हम क्वेश्चंस कराएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।